ऑयल ग्रीन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं UPSSSC 2019 की भर्ती के बारे में। जो हम बात करेंगे कि आज ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन होती और कैसे फॉर्म को फिल करना है और क्या आपको इम्पोर्टेंट है, आपको पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। और ये किस कैटेगरी के कितने सीट वगैरह है सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। बता दूँ आपको हर जॉब का अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाता है। जब तक के लिए मैं बता दूँ आपको, अभी तक मेरे चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब जरूर दबा दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचा सकें। इससे रिलेटेड सारी वीडियो आप तक हम पहुँचा चुके हैं। पहले आपको ये दे देंगे भर्ती की, फिर उसका सिलेबस क्या है, उसके बाद इसका एग्जाम कैसे होगा, उसका पैटर्न क्या है, सारी डिटेल्स एक एक करके आपको अपलोड करा दी जाती है। चलिए ले चलते हैं वीडियो की ओर। अगर कोई भी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे, मैं एक एक चीज़ की बात करना शुरू कर देता हूँ। पहले मैं बता दूँ आपको, उत्तर प्रदेश की भर्ती है जो पूरे ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आप इसको फिल कर सकते हैं। इसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं होगी, आपको ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप यूपी के हैं तो आप यूपी के हैं, पूरे ऑल इंडिया कहीं से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हम ये बात करते हैं, सबसे पहले ले चलते हैं ये पोस्ट का जो नाम है आपको, सहायक बैरिंग तकनीक की भर्ती है जो ITI पर होगी। सब डिटेल्स आपको एक एक क्लियर करते चलेंगे। मैं बता दूं ये आवेदक 14/8/2019 को ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, ये 4/9/2019 तक अंतिम डेट है। आपको इसके बीच आपको ये ऑनलाइन कर देना है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करने की डेट है आपको लास्ट डेट 4/9/2019 ही। अभी आपको परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड की उपलब्धता हम बाद में आपको बता देंगे, इस पर अभी अवेलेबल नहीं है। आपको जैसे ही इसका अपडेट नहीं आएगा, हम सबसे पहले आपको अपलोड करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले आपको मैं इसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, ये वीडियो आपको अपलोड करा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं जो फॉर्म चार्जेज है उतना कितना लगेगा। तो 185 जो है आपको सामान्य वर्ग और OBC को लगने वाले हैं, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 185 लगता है, यूपी के हैं तो, और OBC हैं तो आपको 185। और एक और बात करता है, यूपी से आप हट के कोई राज्य से हैं, कोई भी राज्य से, तो आपको 185 ही लगेगा। हम बात करते हैं SC ST और HC की, वो आपको 95 आपको लगने वाले हैं और वहाँ की महिलाओं के लिए आपको 25 पेमेंट चार्ज लगेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं भुगतान के प्रकार, मतलब आपको पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट आपको ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस प्रकार आप उसमें ऑप्शन आएगा आप कर सकते हैं, लेकिन तीन चीज आपको होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड भी हो तो आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी हो तो नेट बैंकिंग इस माध्यम से आप कर सकते हैं। चलिए पोस्ट की थोड़ा बात कर लेते हैं, किस किस पोस्ट से कैसे कैसे आपको करना है। तो मैं पहले ही बता दूंगा, पोस्ट का नाम सहायक बैरिंग तकनीक है ABT, ठीक। इसमें कुल पद है आपको 486, ठीक है। इसमें आपको मैं पहले थंप आपको दिखला चुका हूँ, 10th पास आपको होना चाहिए और ITI, ठीक। ITI में मैं बता दूँ आपको, मशीन तकनीक होना चाहिए, ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए, फीटर हो, वायरमैन हो, आपके पास होना चाहिए ये डिग्री, तो आप ये फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। हम एज का भी बात कर लेते हैं, 18-40 है आपका सामान्य वर्गों के लिए, उसमें से आपको नियत छूट, आप OBC को अलग छूट मिलेगी, जनरल को अलग छूट नहीं मिलती है और SC ST को भी अलग छूट मिलने वाली है। तो हम बात करते हैं कितने कितने छूट मिलती है। OBC की आपको इसमें 3 बढ़ेगी तो 43 हो जाएगी और SC ST को बढ़ेगा तो 45 हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं,
पोस्ट के नाम से आप पता है और प्रकार आपको पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस पोस्ट में कितनी भर्ती है। सामान्य वर्गों के लिए आपको 248 पोस्ट हैं, जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक, अनुसूचित जाति के लिए आपको 101 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पोस्ट है, अन पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 29 पोस्ट हैं। आपको टोटल पोस्ट है 486। आपको इसमें से जनरल पोस्टों की ज़्यादा भर्ती है, आप इस जनरल कैटेगरी से हैं तो आप इस फॉर्म को अच्छी तरह से फिल कर दें। ये आपको मैं बता दूँ, फॉर्म स्टार्ट होना शुरू हो चुका है, मैं इसका सब चीज़ आपको जल्दी अपलोड करूँगा। इसका सिलेबस क्या है, इसके किस प्रकार से भर्ती होंगी, इसकी पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें।